गगन बारोट नाम है, काफी बड़ा और यूज है। हेलो कथा गाइस, केम छो सब मस्त, अपन भी मस्त। तो गाइस बहुत एक्साइटमेंट है और ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे कि हमने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि हम हरिश्चंद्रगढ़ पहुंच चुके हैं, तो अभी हम ऊपर चढ़ना चालू किए और पीछे अभी से इतना बड़ा वाटरफॉल दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी हमने कुछ खाया नहीं है, देखते कुछ खाने के लिए मिलता है तो ठीक है, तब तक तो हम एक एप्पल खा लेते और एप्पल खाते खाते ये व्लॉग की शुरुआत करते। भाई वो केव जैसा दिख रहा है, वहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं और वहाँ से ऐसा पूरा ऊपर जाके ऊपर जाना है। पर यहाँ पीछे से आप व्यू चेकआउट करो, ये देखो, हाय हाय हाय, इधर से इतना अच्छा है। तो छगन क्या बोलता है, ऊपर जाके क्या मजा आने वाला है? ऊपर जाके बवाल हो जाएगा पूरा। बुढ़ा क्यों लग रहा है, झुरिया क्यों है तेरा आँख में? मिट्टी मिट्टी हो गई है ना पूरी आँख। गाइस व्यू अपडेट, अभी हम लोग बोल सकते शायद 30-40% अप्रॉक्स कर लिए और यहाँ से व्यू है ना जबरदस्त, क्योंकि आप बाइक से ऑलरेडी एकदम ऊपर आते हो और फिर उसके बाद और ऊपर आते हो। अभी देखो जैसे कि मेरे वॉच में ये वाला बटन दबा, 1035 एल्टीट्यूड दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग काफी ऊपर आ चुके। क्या केव किधर है? दिल बनाना भाई, घूमे बकरे। ओ क्या बोलते हैं, क्या निपटा के खाली के। गाइस हमने थोड़े दोस्त भी बनाए हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे, एक उसमें से लड़की और दो लड़के हैं। कैसे भूल सकता हूँ, कैसा है? इसका नाम मोंटू और इसका नाम चोंटू। ठीक है, इन लोग बास मार रहे पर दोस्त तो दोस्त होते, बास तो आती है दोस्तों में से। यहाँ पे पीछे भेदभाव मत, भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पसंद है। देख, इज माय फ्रेंड, इधर इज माय फ्रेंड मैन, इज माय फ्रेंड। गाइस ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे केव्स है, आगे भी आप देख सकते हो। तो ये जो केव्स है इसमें मोस्टली सब वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, शेर वेर, क्योंकि नीचे मैंने फोटो देखा था और मैंने सुना भी था कि इधर रहते करके, अभी का नहीं मालूम पहले रहते। गाइस ये देखो क्या चाहिए नहीं? मिस्ट किसको? लेम बट इट्स ओके। गाइस हम पहुंच चुके हैं केव के इधर, मतलब काफी बड़ा और यूज है। तो गाइस आप लोग को पता नहीं चल रहा रहेगा कैमरा में कि ये कितना हाइट है, इतना मतलब काफी हाइट कम... काफी है, एक टेंट आराम से रह सकता है 3-4 लोगों वाला। तो लोग इधर जो है ना टेंट लगाते हैं बारिश के वक्त और मस्त यहाँ से बैठ के आग वाग लगा के चाय वाय पी के मस्त ये वाला व्यू देखते, तो सोचो क्या मजा आएगा कैंपिंग करने में। क्या बोलते छगन, आप लोग भी आओ? हाँ आएंगे ना, अपना वीडियो देख के लोग आते रहे। इस नीचे से जो वाटरफॉल हमने दिखाया था वो ये है, हम इसके पास पहुंच चुके हैं, पर ज्यादा पास भी नहीं जाना चाहिए वाटरफॉल के क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस। और यहाँ से आप मतलब इतने सारी चीजें है ना दिखाने के लिए, हम सोच रहे कि क्या क्या दिखाए। तो अगर सच्ची में एक्सपीरियंस लेना है तो आपको इधर आना पड़ेगा, मस्ट विजिट, मस्ट रिकमेंडेड। अभी ऊपर तो बवाल है भाई,
ए ताई क्या कर रही है ताई? हम लोग पिछले टाइम आए थे, मतलब छगन नहीं था मेरे दूसरे दोस्त लोग से, तो यहाँ पे ये ब्रिज व्रिज नहीं था, पानी में से क्रॉस करके जाना पड़ता था। अभी ये बना दिया क्योंकि पानी बहुत बढ़ जाता है ना, तो ऊपर तक आ जाता है। गाइस अभी अच्छा पैच आया था सीधा सीधा, पर वापस चढ़ाना है तो इतना ठंडी में पसीना आ गया और मुंह से ना फॉग निकल रहा है बात करते करते। कैमरा मैन नहीं दिख रहा है, मालूम नहीं। पर अभी पानी का ये दुकान बंद है, अभी ऊपर मिलता है कि नहीं देखते, पानी कम है हमारे पास। गाइस फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच गए, यहाँ से हम लोग को मंदिर भी दिखा था, पर मंदिर दिखने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे हम लोग इतने हाइट पे है ना, पर आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं, यहाँ पे कम है थोड़ा। तो गाइस जैसे कि एक जो नॉर्मल डे होता है तो उसका जो मैजिकल मोमेंट होता है वो होता है एक अच्छा सनसेट देख के, मजा आता है। वैसे ही वही एक्सपेक्ट कर रहे हम लोग, सनसेट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब मैं मेरा बता देता हूँ, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सनसेट। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को वो हरिश्चंद्रगढ़ का फेमस वो क्लाउड वाउड दिख जाए बस। और वैसे ही जैसे एक नॉर्मल डे पे सनसेट होता है, वैसे ही रेनी सीजन में खास करके ऐसी चीजें दिख जाना तो एक अलग ही। शट अप आप, ओके आई एम टेलिंग सम, दिल से बात है, समझा करो आप लोग। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर और सड़क रहे मजबूत, काई बहुत है और मतलब सच्ची में गिर रहे। और मैं आपको अभी मंदिर दिखाता हूँ, इधर का मंदिर बहुत फेमस है और बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है, और लोग इसको मतलब वो मंदिर और एक और वो चार पिलर है उसमें से तीन टूट चुके हैं और एक बचा है। मैं दिखाता हूँ, उसका स्टोरी मुझे इतना अच्छे से नहीं मालूम है, तो मैं ट्राई करूँगा कोई लोकल से पूछ के आपको बताओ या लोकल से आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। अभी देखिए पीछे का नज़ारा, ये है मंदिर, थोड़ा सा हमें दिख गया है और ये मंदिर बहुत मस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। हरिचंद्रगढ़ ये नाम है ना, पहले हरिचंद्र राजा ये अयोध्याचा राजा था। हरिचंद्रगढ़ावरती ना येण्यासाठी चार मार्ग आहेत, म्हणजे चार वाटा, एक पाटणाची वाट, दुसरी क्रेश्वरची वाट आणि तिसरी नळीची वाट आणि चौथी बाल्यकिल्ल्याची वाट, कल्याण दरवाजा। कम ऑन बॉय। गाइस ये जो मेरे पीछे है इसके अंदर एक बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही मिस्टिक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ उसका हिस्ट्री। मेरे को ऊपर ऊपर से मालूम है पर मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूँ कुछ और लोग उसको गलत तरीका ले ले, इसके लिए मैं गूगल से निकाल के या कोई लोकल से जैसे मैंने बोला वो करूँगा। वैसे मेरे को नॉलेज है पर समझ गया ना, जिस चीज़ को लोग दूर दूर से देखने आते हैं वो चीज़ है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर पहले चार पिलर थे, एक दो तीन चार, चार में से तीन टूट चुके हैं, अभी एक पिलर पे ये पूरा खड़ा है और ये बहुत बड़ा शिवलिंग है। ये ऐसा छोटा दिख रहा है पर बहुत बड़ा है। इसका पानी मैंने सुना है बहुत ठंडा रहता है और ये साल भर में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये पानी पूरे साल रहता है छगन, तुझे पता है, कभी सूखता नहीं है इधर। तो यहाँ पे देखेगा ना, देख कितना झूना है ये सब। जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में,
तक खो जाता हूँ मेरे महादेव की मस्ती में। हर हर महादेव। महादेव। तो गाइस ये जो है मंदिर बहुत पुराना है, बहुत मतलब बहुत, पर ये इतना पुराना है और यहाँ पे आके ना आप चाहे कितने भी दुखी हो, कितने भी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आके आपको एकदम रिलैक्स फील होता है। इधर इतने पॉजिटिव वाइब्स हैं, कुछ तो है। हाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, अलग ही मतलब ऐसा कुछ एनर्जी आती है अलग, किसी को एनर्जी फील हो रही है, थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा रहेगा आपको सुनने में, पर आप इधर एक बार आके देखो, जो आपको एनर्जी फील होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते। बघण्यासाठी म्हणजे तारामतीचं डोंगर आहे वरती मंदिर आणि कोकणकडे आहे इथं मंदिर आहे म्हणजे शिवलिंग, शिवलिंगामध्ये आंघोळ करण्यासाठी जो तीन खांबावरती चार खांब होते ना, तर पहिले तीन खांब पडलेले आहेत, एक खांबावरती उभा आहे असे शिवलिंग आहे तिथे। माझ्या मेरा नाम राजू निवृत्ती कोंडारे, हरिश्चंद्रगढ में मेरा हॉटेल आहे, तर हॉटेल में चुलीवरचं जेवण मिळतं, चुलीवरचं जेवण मिळतं, राहण्यासाठी टेंट मिळतं आणि फिरायला गाईड पण मिळतो, फुल जेवण मिळतं 150 रुपये प्लेट, चहा मिळतो, नाश्ता मिळतो। तर हमारे आहे ना म्हणजे आमच्याकडे किती पण मोठा ग्रुप असो किंवा छोटा असो सगळ्याची सोय केली जाते। गगन बारोट नावाचे टुरिस्ट आले होते, त्यांना पण जेवण पण आवडलं, राहण्याची सोय आवडली आणि सर्व काही त्यांची व्यवस्था झाली इथे। तर असं बघून तुम्ही पण आमच्याकडे या, तुमची पण चांगल्या प्रकारे सोय केली जाईल। गाइस वेदर इज लिट, सोलार पैनल है पर यहाँ पे बैटरी चार्ज नहीं हुई, सिर्फ बैटरी है तो इससे सिर्फ लाइट चलेगी, और अभी बैटरी कम है तो व्लॉग थोड़ा कम होगा। देख रहा है ऐसा लग रहा नहीं है उत्तराखंड आ गए, देखना ऐसी ही वाइब रहता है उधर, ऐसा सब रहता है। तो गाइस अभी काफी ज्यादा फॉग हो चुका है, देखो ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में हूँ जो कि मैं जा नहीं सकता हूँ कभी, ऐसा लग रहा है वो लाइट्स रहती है ना शूट करते टाइम। हाँ पर बहुत ठंड है, मतलब बहुत तो नहीं है पर ठंड है, रात को मतलब लगेगी। हमने इधर टेंट वेंट बुक कर लिया, खाने का सब बंदोबस्त हो गया है। कल हम जाने वाले एक और ऐसी जगह पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और वो भी बहुत फेमस है, तो आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, इसके बाद आएगा। थोड़ा ज़्यादा ऐसा वीडियो कर रहे पर मज़ा आने वाला है वो वाले वीडियो में। सर्दी है ठीक है, अभी मैगी बनाने बोला है, स्नैक्स करते हैं। हम मैगी लाए थे, बनवा दिया, इधर मस्त खा रहा है, मेरा खाके हो गया। गाइस हमारा टेंट लग चुका है एज ऑलवेज क्वेचा, और यहाँ से व्यू देखो हमारा, हमने घर में लगाया, गुफे में नहीं लगाया क्योंकि गुफा थोड़ा गंदा था। क्या बोलते अच्छा गा, नींद बींद आ रही कि नहीं, 8 घंटा बाइक चलाया अपन ने, ऐसे पसरेंगे ना सीधा, कल सुबह ही होगी। जला जला जा, गाइस इतना फॉग है इधर, इतना फॉग है, मैं आपको फ्लैश चालू करके दिखाता हूँ, देखना पूरा फॉग फॉग हो जाएगा। ये देखो इतना फॉग है गाइस, मतलब ऐसा कैमरा के सामने का नहीं दिख रहा है, मुझे मेरे सामने वाले झाड़ नहीं दिख रहे ढंग से। फुल उत्तराखंड वाइब है यहाँ पे, छोटे छोटे हट्स है, अंधेरा, फुल फॉग। जोरदार ठंड और जोरदार फॉग के बाद आखिरकार ये दिन अंत करेंगे, हम खत्म करेंगे।
और ये वाली वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत थक चुके, 8 घंटा चला है, 2-3 घंटा ट्रैक किए, अभी खाना खा के निकले। कल वाला व्लॉग, आने वाला व्लॉग जरूर देखना, बहुत अच्छा होने वाला है वो, अभी ताकत नहीं बची। बाय बाय। अच्छा वो तो चलता है। तो गाइस अगर आप हरिश्चंद्रगढ़ में आते हो तो इनके पास ज़रूर आना, क्योंकि इनके यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है, क्लीन है सब कुछ, टेंट स्टे है और बहुत ही रीजनेबल रेट पे। तो आप कांटेक्ट करके जान सकते हो हरिश्चंद्रगढ़ आने के पहले।